कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी शॉर्टकट ऐप, ठीक है, कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में शॉर्टकट ऐप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ टू इजी एंड सिंपल कि शॉर्टकट ऐप को आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, शॉर्टकट ऐप को आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें शॉर्टकट का, आप सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने प्ले स्टोर पर एंटर होना है। ठीक है, प्ले स्टोर पर एंटर होने के बाद यहाँ पे देखें इस तरह का होम पेज आप लोगों के पास आता है। ठीक है, और यहाँ पे टॉप ऑफ द स्क्रीन आप लोगों के पास सर्च फॉर ऐप्स एंड गेम्स का ऑप्शन जो है अवेल है। आप लोगों ने यहाँ पे जाके अपने ऐप का नेम सर्च करना है। सर्च फॉर ऐप्स एंड गेम्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो शॉर्टकट ऐप जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें शॉर्टकट ऐप हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें शॉर्टकट ऐप हमारे पास जो है वो आ गया है, शॉर्टकट ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे देखें शॉर्टकट ऐप को हमने अपने मोबाइल फ़ोन में जो है वो यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस, ये जो ऐप है हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब हमने इसको अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे किस तरह यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों के साथ इसके रिव्यूज़ और डाउनलोडर्स शेयर करूँ, तो आप लोगों के पास जहाँ पे इसके डिफरेंट रिव्यूज़ हैं, डिफरेंट डाउनलोडर्स हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ बताऊँ यहाँ पे इसके जो है रिव्यूज़ वो 96 के रिव्यूज़ हैं। डाउनलोडर्स की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो है यहाँ पर 5 मिलियन प्लस इसके डाउनलोडर्स हैं। ठीक है, 5 मिलियन प्लस इसके डाउनलोडर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो 5 मिलियन प्लस इसके जो हैं वो डाउनलोडर्स हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखें आप लोगों के पास शॉर्टकट ऐप है, यहाँ पे आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो यूज़ करने के बाद आप लोगों के पास जहाँ पे जो है वो चेंज वीडियो स्पीड आप लोगों के पास आ जाती है। ठीक है, वीडियोज़ की डिफरेंट स्पीड्स को आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो करने के बाद आप लोगों ने इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करना है, तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग इसको अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बैक आएँ, बैक आने के बाद हम चलते हैं जी अपने शॉर्टकट ऐप को। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए, बैक बैक आने के बाद हमने यहाँ पे जो है वो अपने शॉर्टकट ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पे जो है वो ओपन किया है। ठीक है, शॉर्टकट ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें गाइस, आप लोगों ने यहाँ पे इसको जो है इस तरह इंस्टॉल किया है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जहाँ पे आप लोगों ने इसकी जो है वो क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें डिफरेंट क्रिएटिंग है। ओके, तो यहाँ पे देखें गाइस, आप लोगों ने यहाँ पे एक पिक्चर ले ली है। ठीक है, आप लोगों ने अब यहाँ पे इस वीडियो को किस तरह एडिट करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास क्रॉप का ऑप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों ने जो है इसको क्रॉप करना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इसको इतना क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसी तरह इसको जो है वो एडिट करना है। ठीक है, फ्लिप है, हॉरिजॉन्टली बैकग्राउंड्स आप लोगों के पास डिफरेंट है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर डिफरेंट ये देखें सारे बैकग्राउंड्स जो हैं ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों के पास डिफरेंट बैकग्राउंड्स आ जाते हैं। आप लोगों ने ये सारे बैकग्राउंड्स यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड्स यूज़ करने के बाद आप लोगों के पास अब यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, कि आप लोगों के पास यहाँ पे डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं जो आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन फ़िल्टर्स को एडजस्ट करने के बाद आप लोगों के पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर मैनेज करनी है। ठीक है, फ़िल्टर्स में आप लोगों के पास हॉलीवुड आ जाता है। ठीक है, हॉलीवुड के अलावा यहाँ पर देखें आप लोगों के पास हेलोविन है। ठीक है, फूडी है आप लोगों के पास। ठीक है, मोनोक्रोम आप लोगों के पास है। ठीक है, ये सारा कुछ मेंशन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखें फ़िल्टर्स का ऑप्शन आप लोगों के पास है। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे एनिमेशंस आ जाती हैं डिफरेंट, के आप लोग यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशंस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो यूज़ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड देन उसको यूज़ करना है। ठीक है, रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इसे यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है म्यूज़िक का, कि गाइज़ आप लोग यहाँ पे डिफरेंट म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से इसका भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सा म्यूज़िक है जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपना ऑन म्यूज़िक जो है, अपना खुद का म्यूज़िक जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐड करने के बाद अफेक्ट्स का ऑप्शन आप लोगों के पास आता है, कि आप लोग यहाँ पर डिफरेंट अफेक्ट्स वगैरह हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई, पीटल थ्री, ठीक है, आप लोगों के पास यहाँ पर सारे जितने भी अफेक्ट्स हैं, ये सेलिब्रेट, ग्लिच, ठीक है, ये सारे अफेक्ट्स आप लोगों के पास अवेल हैं। आप लोगों ने यहाँ पे सारे अफेक्ट्स जितने भी हैं ये आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में जो है वो इंस्टॉल करने हैं, और इन अफेक्ट्स को आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में जो है वो ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास जो है इन सारे फैक्ट्स को दिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।